This is a bade miyan chote miyan show miyan. बड़े मियाँ ये आपके साथ आप बैग ले लिए बैग लेना नहीं चाहिए आपको बड़े मियाँ छोटे मियाँ शो में आपका स्वागत है और सवाल जवाब होगा यहाँ बहुत सारे डिस्कशंस होंगे जो हम चाहेंगे हमारे जो सुन सकते हैं हमें देख सकते हैं व्यूवर्स वो पसंद करेंगे जुड़ना। स्लेजिंग की बात करें कोई ऐसा वाकया याद है जहाँ लगा कि यार ये क्या चल रहा है इतनी बदमाशियाँ? अभी बॉटम लाइन पे मैं आ जाता हूँ सीधा क्योंकि ये बाबा आदम के ज़माने से स्लेजिंग चले आ रही है। उस ज़माने में ना कैमराज थे ना वीडियोस थे ना रिव्यूज़ थे, न्यूट्रल अंपायर्स भी नहीं थे। तो अब जो चाहे कह लो, आप जो चाहे स्लेजिंग कर लो। क्या वाक्या क्या तो वाक़ा मुझे ये याद आ रहा है कि जब हम पैकर सीरीज जब आ गई थी 81-82 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पे बॉब सिम्पसन को बुलाया गया जो कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के और फिर के बाद कोच भी थे। तो सारे के सारे द क्रीम ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पैकर ने ख़रीद चुके थे। बॉब वॉज द बिगेस्ट चीट आई हैव एवर कम अक्रॉस, सच ए रेप्यूटेड नेम, आई हैड नो अदर चॉइस, आई टॉलरेटेड ऑल हिज स्लेजिंग। सबके ख्यालात ऐसे रहते हैं कि भाई ये बड़ा जेंटलमैन क्रिकेटर है। 4 टेस्ट मैचेस खेले हम उस टाइम पे, 2 हमने जीते 2 उन्होंने जीते। बहुत ही बेहतरीन चैलेंजिंग सीरीज थी। तो इसने हर मैच में 4 इनिंग्स खेले। जब भी LBW होता या कॉट बिहाइंड होता, मैंने 99.9% अगर कोई आउट हुआ LBW या कॉट बिहाइंड पे, जब भी मैं अपील करूँगा, तो इसने मेरे को पीछे पलट के स्लेजिंग करता, गाली देता था मेरे को ऐसे गालियां देता था। मैंने अभी इसको क्या जवाब दूं? ये इतना बड़ा महान खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, तो इसने मेरे को गालियां देते थे, मैं पलट जाता था। मैं मेरा पिछड़ा दिखाता था इसको। अभी जवाब क्या दूं? मेरा जवाब यही था कि भाई देखो मेरा पिछड़ा। अच्छा, तो बस अभी हर एक चीज़ की हद होती है क्या नहीं? तो ये हद के बाहर हो गया एडिलेड टेस्ट में, और उस ज़माने में न्यूट्रल अंपायर्स नहीं थे, पूरे ऑस्ट्रेलियंस थे। और ये बॉब सिम्पसन को खेलने के लिए सेंचुरी मारने के लिए 2 बार आउट हो गया है, तीसरे बार सेंचुरी लगा दिया इसने बाहर। तो मैंने इसको वापस उसी लैंग्वेज में, मैंने ओवर के दरमियान जाकर मैंने ये कहा कि लिसन बॉब, आई हैव बीन टॉलरेटिंग ऑल योर स्लेजिंग ऑल दिस व्हाइल एंड इन फ्रंट ऑफ यू आई एम नथिंग एंड यू आर सच ए बिग नेम in the international cricket, you so and so, the words he used on me, chote miya, I repeated on him, whatever you have said to me has bounced off me, but whatever I've repeated your own words, it will get stuck into your head, so off you go. Bol ke main hat gaya wahan se. अभी शाम में पार्टी में, ये दिस इज़ इंटरेस्टिंग, शाम में मिला होगा। तो शाम में पार्टी में सर डोनाल्ड ब्राडमैन से, हम सारे के सारे बिग फैंस ऑफ हिम, वंस वी वर चैटिंग विद हिम, मदन वाज देयर विद मी, 2 अदर क्रिकेटर्स, आई कांट रिमेंबर देयर नेम्स एट द मोमेंट, कौन कौन थे हम, मिस्टर एंड मिसेस सर डोनाल्ड ब्राडमैन से बातचीत कर रहे थे। तो बीच में बॉब सिम्पसन बटेड इन एंड ही सेड, ही got hold of my shoulder and said, hey, you taught me a big lesson, man, sorry about that. Did you say that? Wow, brilliant. And there I was shocked, and Sir Don, man of few words, full of action, he just looked at me and said, he didn't even make a query why he has said sorry. And from a captain of that caliber, such an icon player, coming and apologizing was a big thing. Big thing, correct. So sledging has been on right throughout.